मैं तो यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Anyone, and it's not peace, you know, it's a one type of art. अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। MPs बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। ...2024 से पहले जुबान वाली तलवार चलने लगी है। मिमिक्री से लेकर पॉलिटिकल केमिस्ट्री तक दोनों की धार बहुत तेज है। जख्म ऐसे मिल रहे हैं कि छुपाए नहीं बनते, दिखाए नहीं बनते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि सांसदों को निलंबित क्यों किया, सरकार इसका जवाब दे। मिमिक्री TMC के सांसद कल्याण बनर्जी ने की, संसद की सीढ़ियों पर हुआ ये मिमिक्री शो वायरल हो चुका है। मिमिक्री शब्द ट्रेंड कर रहा है और इस तमाम हंगामे के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव का स्टेज तैयार है। जब TMC के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे, तब सामने राहुल गांधी थे और वो अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे। यही वजह है कि TMC से लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्ष इस वक्त कटघरे में है। किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे MPs बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री को जाट समुदाय और किसानों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मेरी जाति का अपमान किया है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसलिए आज राज्यसभा में बीजेपी समेत NDA के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाई और इसके लिए NDA के 109 सदस्य उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सम्मान में 1 घंटे तक सदन में खड़े रहे। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और मिमिक्री वाले अपमान पर अफसोस जाहिर किया। धनखड़ ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि पिछले 20 वर्षों से वो भी इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी जगदीप धनखड़ के समर्थन में एक ट्वीट किया और लिखा कि जिस तरह से संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, वो उससे आहत हैं। कल्याण बनर्जी उन निलंबित सांसदों में से एक थे जो संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन में हंगामा किया, जिसके कारण उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसद सभी एकजुट होकर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान TMC सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल कर रहे थे और इस नकल के दौरान बाकी के साथी सांसद हंस रहे थे। वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले को अपने वीडियो में कैद करते हुए देखे गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों में इसी मुद्दे को लेकर काफी देर तक बात हुई। जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री वाली घटना को लेकर अपनी फिक्र बताई और कहा कि ये उनका बड़ा अपमान हुआ है। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के एक वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पूरा विपक्ष बैकफुट पर है, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, सभी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा।
इस पूरे बवंडर के बीच अब कल्याण बनर्जी पूरे मिमिक्री एपिसोड पर सफाई दे रहे हैं। मिमिक्री हैज बीन डन बाय आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा इटसेल्फ। यह घटना 19 दिसंबर की है। संसद से सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष गुस्से में था, लेकिन इन तस्वीरों में सब ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अलग अंदाज में थे। वो करीब 5 मिनट तक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते रहे। सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े थे और इस घटना का वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगदीप धनखड़ ने भी सदन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से कहा था कि कहीं तो बख्श दो। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला संसद के बाहर हुआ है। साफ तौर पर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि बीजेपी और खुद उपराष्ट्रपति मिमिक्री को बेकार का मुद्दा बना रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि मेरी जाति का अपमान किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जगदीप धनखड़ की तरफ से भी कहा गया, और इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाति बोलकर भड़काने का काम यहां पर ना किया जाए। धनखड़ ने फिर कहा यह किसान समाज को बेइज्जत किया गया है। देखिए क्या कुछ कहा गया है और क्या अब तक इस पूरे मामले पर आया है वो आपको बता रहे हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मिमिक्री को जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसे जाति से कतई ना जोड़े। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह पद की गरिमा गिरा दी गई है। साथ ही इस पर खड़गे ने कहा, मैं ये कहूं कि दलित हूं बोलने नहीं देते, यानी कि कहा जा रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो आहत हैं इससे। वहीं पर मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि इसे जाति से मत जोड़िए। दलित इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी। खड़गे है डमी, चलाएंगी मम्मी। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार तेज होते जा रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है, ये भी आज हमको देखना था। ये पूरा मामला तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ा है। खास बात यह है कि ये पूरा हंगामा दिल्ली में तब हो रहा है जब राजधानी में ममता बनर्जी भी मौजूद थी। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटाते। तलखी बहुत ज्यादा है, तूफान मिमिक्री का है, और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? बीजेपी का मुद्दा मिमिक्री यानी उपराष्ट्रपति का अपमान है, और विपक्ष का मुद्दा सांसदों का निलंबन है, और विपक्ष अब इसी पर फोकस करना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष ने अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। सांसदों को निलंबित किए जाने का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाना चाहता है। इसके लिए बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है, जगह भी तय कर ली गई है। नदी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। फिर वही पुनरावृत्त है, इसको समझने के लिए देश के इतिहास में जाना होगा। लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए भी एक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं
और उनकी मिमिक्री को लेकर जाट महासंघ ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में जाट एक बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विपक्ष के सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया है। इसे लेकर राजस्थान में कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। 40-41 सांसदों को निलंबन करना मैं समझता हूं बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर, और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इससे इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। कोई इतना गंभीर विषय भी नहीं कि इसको अपन कोई हाईलाइट करके उस तरह किया जाए। जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति और अध्यक्ष है, जिस तरह सांसदों को निलंबित करके उनको बेइज्जत करके बाहर निकालते, तो उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति। वैसे राज्यों से लेकर केंद्र की सियासत तक अब विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, और हमेशा की तरह एक बार फिर विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बता दिया कि इलेक्शन यानी मोदी। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा है। विपक्ष में इस वक्त सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार किसे बनाया जाए। ममता बनर्जी ने एक बार फिर खड़गे को विपक्ष का चेहरा बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। खबर है कि खड़गे का नाम आने पर नीतीश कुमार नाराज है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह में जो कांटे हैं वो अब साफ नजर आने लगे हैं। क्या इसे ये समझ लिया जाए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हो चुके हैं और जेडीयू से नीतीश कुमार पीछे, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे इन और नीतीश आउट। किसी को नेता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया है, कि मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि वो गठबंधन में जो है इसके दावेदार हैं, संयोजक के दावेदार हैं या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है। लेकिन बिहार के लोग, पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संयोजक बने प्रधानमंत्री, चूंकि एक्सपीरियंस वाले नेता हैं, बिहार का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहां पड़े होंगे। इस समय सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए। वैसे विपक्ष में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक साझा उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए ताकि वोटों का बंटवारा न हो। इंडिया अलायंस की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें एक साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होना चाहिए। इसको लेकर कुछ नामों पर चर्चा भी हुई, जिसमें प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र हुआ। दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी अपनी सीट शेयरिंग पर आखिरी रूप देना चाहता है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब एक और राज्य है जहां कांटा फंस गया है। पंजाब को लेकर खबर ये है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन करेगी या नहीं, इस पर पिक्चर साफ नहीं है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी में चर्चा होनी है। गठबंधन को लेकर अब कोई भी चर्चा अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर तक विपक्षना में रहेंगे। गठबंधन तो मजे मजे में बन गया, लेकिन सीट शेयरिंग में मामला फंस गया। इंडिया गठबंधन का अभी तक तो यही अपडेट है। वैसी जितनी टक्कर सरकार और विपक्ष के बीच जारी है, उतनी ही तकरार इंडिया गठबंधन में भी देखी जा रही है।
अगले कुछ दिनों में और बादल छाएंगे या फिर ये बादल छटेंगे, उलझन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल विपक्ष को मिमिक्री विवाद से निपटना है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है।